दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि मेरा जो चैनल है आप लोग को कैसा लगता है कमेंट करके। और जितने भी मेरे फ्रेंड हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और आप लोग जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया और मुझे जो है अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे तो सपना जैसा लगता है, लगभग मुझे आज भी हर चीज़ सपना जैसा ही लगता है। लगता है ये सब सपना है जो मैं कर रही हूँ, वो सब मुझे यकीन ही नहीं होता कि मुझे भी लोग कमेंट करते हैं। मुझे लगता ही नहीं था कि मुझे भी लोग पसंद करेंगे, लेकिन करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। तो जितने भी मेरे फ्रेंड है और सब्सक्राइबर हैं और व्यूवर्स हैं, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज ना आप लोग को पता ही है कि दिसंबर का टाइम चल रहा है और लास्ट दिसंबर है ना, तो ठंड तो बहुत ही ज़्यादा है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और बस 2 दिन बाद ही आने वाली है नया साल, है ना? तो नए साल में भी कुछ हम नया बनाएंगे, तो उसे अभी मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन आज ना मैं बनाने वाली हूँ तिवरे की भाजी, जो छत्तीसगढ़ की फेमस भाजी है, और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। तो कैसे बनाते हैं हम, मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। और प्लीज़ मुझे ना सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो घर से अब मैं छत में थी, तो छत से अब नीचे उतर रही हूँ सीढ़ियों से। देखिए सीढ़ियाँ इधर है, इस तरह से हम लोग के घर में, तो सीढ़ियों से उतर सकती हूँ। फिर चलते हैं खेत, शाम का टाइम हो रहा है ना। देखिए दोस्तों, ये तिवरे की भाजी है जिसे हमने खेत से तोड़ कर के घर ले आए हैं, और इसमें फूल आ गए हैं। फिर भी हम इसकी जो मुलायम वाली पत्तियां हैं उसको अलग निकाल लेते हैं, अलग बर्तन में रखूंगी, क्योंकि ये किनारे वाली जो है, डंठल वाली, ये पकती नहीं है अच्छे से। तो हम जो है, जो मुलायम मुलायम हिस्सा है उसको हम निकाल करके अलग बर्तन में रख लेते हैं और धो करके रख देंगे। फिर इसे एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है हमें, बहुत ही छोटे छोटे, इस तरह से। हमारी हंसिया बहुत ही तेज़ धार वाली है, इसलिए ये एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में जो है कट जा रही है। तो यहाँ पास हम लोग इसी तरह से काटते हैं, एकदम छोटे छोटे टुकड़े में, और फिर काट करके फिर से दोबारा ऐसे ही काटेंगे जब तक कि इसमें से पानी ना छोड़ने लगे। तो देखिए बिल्कुल ही बारीक मैंने इसे काटा है, और ये जो है खाने में ना बहुत ही टेस्टी होती है। चने की भाजी और ये तिवरे की भाजी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। और मैंने ना इसे छत्तीसगढ़ में जो हम लोग बरी की बरी बोलते हैं उसे ना डाल करके बनाऊंगी इसे। बैगन भी डालूंगी और टमाटर। तो कैसे बनाती हूँ देखते हैं हम। तो हमने इसे काट लिया, देख रहे हैं इसकी पानी ना छूट चुकी है। तो मैंने यहाँ चावल भी पकने के लिए रख दिया है, और इसे मैं कुकर में, जो बारीक मैंने भाजी काटा है उसे कुकर में मैंने डाल दिया है। फिर इसमें पानी डाल दूंगी, फिर ढक्कन बंद करके मुझे इसे पकने देना होगा। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है 1 गिलास, क्योंकि मैं सब्जी ना तिवरे की भाजी की सब्जी, सूखी सब्जी बनाने वाली हूँ जो बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही खाने में टेस्टी होती है। तो देखते हैं कैसे बनती है। और मैंने कुकर का ढक्कन कर दिया है बंद, और मैंने यहाँ बैंगन जो लिया है 2-3 ही लिए हैं, ज़्यादा मैंने नहीं लिया है। तो इसे काट के, इसे भी मैंने काट लिया है। और टमाटर मैंने हंसिए कि कोना उल्टा कर लिया, क्योंकि इसमें के जो भी रस वगैरह पूरे ना ज़मीन में चले जाते हैं, इसलिए मैंने हंसिया को पलटा के मैंने ना टमाटर को काट ले रही हूँ। टमाटर को मैंने एकदम बारीक नहीं काटा है, क्योंकि ये ना पिघल जाती है, ये ठंडी की टमाटर है, ठंडी के मौसम वाली।
टमाटर टेस्टी और खट्टे वाली टमाटर है, तो इसकी खटाई भी बहुत अच्छी लगती है भाजी में। तो देखिए मैंने काट लिया है, और यहाँ पर मैंने ज़्यादा लहसुन वगैरह लिया है, ज़्यादा मतलब यहाँ से मैंने 15-20 ले लिया है, और मिर्ची भी, क्योंकि लहसुन ज़्यादा रहेगा ना तो अच्छी बनेगी हमारी तीवरे की भाजी। तो ये मिर्ची मैंने सूखी वाली ली है फ़ौरन के लिए, तो देखते हैं हम 3 सीटी तक पकने देना है हमें, और फिर ना बरी भी इसमें यूज करने वाली हूँ, और टमाटर भी बैंगन भी। तो हम यहाँ पर मैंने मेथी ले रखा है तड़के के लिए, थोड़ा सा मैंने अदरक पीस लिया है। तो फिर कढ़ाई मैंने 700 को ऑयल लिया हुआ है, इसमें ना मैं सबसे पहले बरी की ना उससे मैं तल लूँगी, क्योंकि हम ना जब ये बना लेते हैं तो इसका हर सब्जी में ही यूज करते हैं इसे, डेली में पर 1-2 दिन के बाद किसी न किसी सब्जी में डाल ही देते हैं, क्योंकि ये ना बहुत ही अच्छी लगती है हम लोगों को। तो इसलिए मैं जो भी दो तीन बार मैंने जो भी सब्जी बनाया है उसमें इसी को मैंने दिखाया है, तो इसमें भी मैं इसे ही यूज करूँगी, क्योंकि दाल में भी बनाते हैं, भाजी में भी बनाते हैं, जो भी सब्जी बनाते हैं हम उसमें इसको डाल देते हैं, क्योंकि इसी टाइम से अच्छी लगती है, फिर इसका टेस्ट भी चला जाता है, कम हो जाता है मतलब। तो यहाँ पास मैंने और थोड़ा सा ऑयल लिया है सरसों का, तो फिर उसमें मेथी को डाल दिया है चटकने तक, जब तक ये चटक ना जाए तब तक मैं इसे देखते हैं। चटकने के बाद मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है, और उसके बाद मैंने मिर्ची भी डाल दी है, फिर उसको भून लेते हैं। उसको वाइस ओवर देखते सॉरी आप लोग कहीं कहीं मिस्टेक कर देती हूँ, तो यहाँ पर मैंने बैंगन को भी डाल दिया है, और इसे भून लूँगी हल्का हल्का से, क्योंकि अगर भाजी में मैं डालती ना तो एकदम से पिघल जाता, तो मुझे ना एकदम पिघला हुआ थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए मैं इसे ना इसी तरह से भून लेती हूँ। फिर ना मैं इसमें थोड़ा सा अदरक डाल दूँगी, फिर इसे भी डाल करके भून लेना हमें हल्का हल्का से, क्योंकि बैंगन बहुत जल्दी पक जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये ठंडी वाली बैंगन है ना तो ये बहुत जल्दी पक जाती है। तो इसमें मैं ये सब डाल देती हूँ, हल्दी भी डाल दिया है मैंने, और फिर इसमें मैं टमाटर डाल देती हूँ, इसे भी बहुत जल्दी पक जाना है। फिर ना मैं इसे इस तरह से करके और एक बर्तन से ढक दूँगी, फिर मैंने जो बड़ी मैंने रखी थी उसे भी मैं इसमें पकाऊँगी, और भाजी को देख लेते हैं, ये देखते हैं एकदम सूख चुकी है, देखिए एकदम पक चुकी है, एकदम हरी हरी सी थी ना, अब एक देखिए फीकी फीकी से हो गई है, क्योंकि ये पक चुकी है एकदम से। और फिर हम देखते हैं इधर एकदम सूख गई है, देखिए पानी है नहीं इसमें, और फिर मैंने जो करी थी ना इसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी, क्योंकि ये थोड़ी कठोर होती है, तो पानी डालने से पक भी जाएगी। तो फिर हम इसे पकने तक ऐसे ढक्कन बंद कर देते हैं, फिर देखते हैं हम नमक डाल देते हैं, पहले नमक मैंने डाली होती ना तो बैंगन एकदम मेरी से वो हो जाती, मतलब कि एकदम पिघल जाती, इसलिए मैंने बाद में नमक डाला। तो यहाँ पास ये बड़ी जो हमारी पक चुकी है, और उसके बाद मुझे जो है जो भाजी मैंने कुकर में पकाया था ना उसे मुझे इसमें डालना होगा, इस तरह डाल दिया है मैंने। इसको ना पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी ही पक जाती है, क्योंकि मैंने कुकर में ऑलरेडी पहले ही पका लिया, तो मैंने ना इसे सूखी सूखी बनाऊंगी, क्योंकि ये खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। आप चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि रसे वाली भी अच्छी लगती है, लेकिन मैं ना आज सूखी वाली ही बनाई हूँ, इसलिए मैंने आप लोग को जैसा मैंने बनाया है वैसा ही शेयर कर दिया। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि पूरा वीडियो देख